मुझे तकलीफ हो रही है तो मैं समझता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वर्क प्लेस पर रहता हूँ, जैसे ही मैं ऑफिस जाता हूँ और वहाँ पर कोई मुझसे कहता है, मेरी कोई कलीग मुझे कहती है कि मुझे पीरियड्स आए हैं, मैं परेशानी में हूँ, तो मैं उसके लिए संवेदनशील हूँ। और उसकी उसकी मूल वजह क्या है कि बचपन से मुझे मेरी माँ ने नहीं बताया, मेरी माँ ने क्या कहा, बहन से कहा कि तुमको अलग रहना है, मुझे नहीं कहा कि मुझे अलग रहना है, या मुझे ये नहीं बताया कि जब बहन को तकलीफ होगी तो आप कैसे उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल, ये जो अलग अलग चीज़ है ना, कि पेरेंटिंग ये बेसिक चीज़ है कि पेरेंटिंग जब आप कर रहे हैं तो अपने बेटे को आप उससे अलग कर रहे हैं, जो जिसको भी पीरियड्स है, जो भी फैमिली मेम्बर है, उसको आप आइसोलेशन में डालते हैं। जैसे ही आप उसको आइसोलेशन में डालते हैं सब कुछ अलग होता है, उसको आप साथ में रखेंगे ना, वो कोई अपवित्र हो, कोई अछूत थोड़ी ना है। और अछूत कहाँ से है, वो हमसे ही है, कल तक आप और मैं एक फैमिली का हिस्सा है, आज जैसे ही आप उस प्रोसेस में गए जो कि नेचुरल प्रोसेस है, आप कह देते हैं कि वो अछूत है। और ये कहना ये सब इसलिए है क्योंकि फिर अगेन पेरेंटिंग, तो हम लोग रिपीट कर रहे हैं, मेरी माँ ने किया, मेरी वाइफ ने किया, मेरी बेटी से हो रहा है, अब मुझे आके उसको चेंज करना, मैं जब चेंज करूँगा शायद मेरा बेटा चेंज करे, उसका बेटा चेंज करे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ऐसे भारत में हैं जहाँ अभी शौचालय भी जो है वो पूरे नहीं है, और अभी भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं, आपने मानसिकता के बारे में बताया और माइक्रो जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया, तो सच्ची सहेली जैसे कुछ इनिशिएटिव्स क्या योगदान कर सकते हैं, अगर आप एक लाइन पर उसके बारे में बताएं। मुझे लगता है सच्ची सहेली जैसा योगदान अगर एक भी आदमी को इस वर्कशॉप के बाद बदल पाता है तो वो सबसे बड़ा चीज है। मेरी बात सुनने में आपको अजीब लग सकती है, लेकिन अगर एक पुरुष को आप संवेदनशील बना पाते हैं एक वर्कशॉप से ना, तो वो कई जगहों पर रहेगा वो पुरुष कहाँ कहाँ जाएगा, वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ इंटरवेंशन करेगा। तो ये वर्कशॉप ज़रूरी है क्योंकि लोग सोच रहे हैं, जब आप सोचते हैं तो बदलते हैं, जब बदलते हैं तो फिर बड़ा चाहिए। तो आपने देखा कैसे मेल सेंसिटिविटी को अड्रेस